कुछ मीडिया ने उनके सब बात करने की कोशिश करी तो कुछ पुलिस के अधिकारी लोग वहाँ पहुँचे और माननीय जयंत चौधरी जी पर वार करा, उन लोगों ने लाठी चार्ज करी। नेता पर इस तरीके से वार करा जाए और वहाँ पे जो डंडे और लाठी पत्थर हम लोगों पे जो बरसाए गए हैं, हमने जो वहाँ जाकर, मैं माननीय योगी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जी इस तानाशाही को आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। 2022 में जो युवा है उत्तर प्रदेश का, वो आपको करारा जवाब देगा। एक एक लाठी का हिसाब, चाहे हम पे मुकदमे लग जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम जाने को तैयार हैं। अपने नेता का अपमान हम नहीं सहेंगे। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, बुलंदशहर से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी युवा के जिला अध्यक्ष नावेश राजौरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। हाथरस कांड इस समय बहुत चर्चा पे है और आज आप वहाँ पहुँचे भी थे घटना पर, तो सर किस तरीके से, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, उन पर भी लाठियां बरसाई गई, और मतलब किस तरीके से पूरी घटना क्या रही वो जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से हमने देखा वहाँ पे, और हम लोग जयंत जी के कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ हम जब जा रहे थे, तो जब आपकी कुछ मीडिया ने उनके सब बात करने की कोशिश करी तो कुछ पुलिस के अधिकारी लोग वहाँ पहुँचे और माननीय जयंत चौधरी जी पर वार करा, उन लोगों ने लाठी चार्ज करी और हमारे कुछ उसमें घायल कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। और इससे गिनोरा काम भाजपा सरकार कुछ नहीं करा सकती। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग वहाँ के अधिकारियों से और वहाँ के प्रशासन से ये बात पूछें कि आपको किसने आदेश दिया है कि एक राष्ट्रीय लीडर पर और किसानों के नेता पर इस तरीके से वार करा जाए और वहाँ पे जो डंडे और लाठी पत्थर हम लोगों पे जो बरसाए गए हैं, हमने जो वहाँ जाके ग्राउंड की रिपोर्ट हमने ली तो वहाँ के लोगों से ये पता पड़ा है कि कुछ शैतानी जो भाजपा के गुंडे हैं, रात उन्होंने मीटिंग करी, जब उन्हें पता पड़ा प्रशासन को कि माननीय जयंत चौधरी जी का वहाँ प्रोग्राम लग रहा है कल, तो उन लोगों ने क्या काम करा, वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे होकर जब जयंत जी का वहाँ काफिला पहुँचा तो हम लोगों पत्थर बजाने का काम करा। और पुलिस प्रशासन वहाँ का, उनका पूर्ण रूप से उनका सहयोग है पुलिस का उन लोगों पर। जब जयंत जी वहाँ से निकल रहे थे तो उनके ऊपर भी नारेबाजी करी, पत्थर मारने की कोशिश करी, वो हम काफ़ी संख्या में थे तो उस चीज़ में वो नाकाम रहे। और मैं माननीय योगी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जी इस तानाशाही को आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। 2022 में जो युवा है उत्तर प्रदेश का, वो आपको करारा जवाब देगा। एक एक लाठी का हिसाब हम आप लोगों से लेंगे। सर जब आप मौके पर हाथरस में पहुंचे तो पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आपको चेतावनी दी गई हो या फिर कोई वार्निंग दी गई हो, या पहुंचते ही जैसे आपने बताया कि लाठियां बरसाई गई या पत्थरबाजी की गई, तो कोई चेतावनी दी गई थी प्रशासन द्वारा, या क्या क्या कारण रहा कि कोई परमिशन नहीं थी आपके पास, क्या कारण रहा, मेन कारण क्या रहा जो आपको लगता है? हम लोगों ने आज तक कोई भी प्रदर्शन करा हो, हमने किसी भी तरीके का कोई शैतानी लोग या हमारे साथ किसी भी तरीके का, हम प्रशासन को सहयोग करते हैं, हमारी तरफ से कोई किस तरीके की बदमाशी या किस तरीके कोई लाठीचार्ज हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों ने ना हमें कोई चेतावनी दी थी, ना कोई हमें कुछ रोका था। जैसे ही माननीय जयंत चौधरी जी हमारे अंदर और चले और जैसे ही आपके मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश करी, तुरंत ही कुछ लोग पुलिस के प्रशासन के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने डंडा बजाना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज तुरंत शुरू कर दिया। सर जयंत चौधरी जी जो हैं वो बहुत बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय लोकदल का, तो जब उन्हें हाथरस जाना था तो मतलब जाहिर सी बात है कि पहले से ही ये जानकारी हो जाती है कि वो इतना बड़ा नेता आ रहा है यहाँ घटना पे देखने, तो उसके बावजूद भी अगर ऐसी हरकत रहेगी तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कुछ?
कल दिनांक 5 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल युवा राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर हुई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में चाहे हम पे मुकदमे लग जाए चाहे हमें जेल जाना पड़े हम जाने को तैयार हैं, अपने नेता का अपमान हम नहीं सहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के राष्ट्रीय लोकदल युवा के जिलाध्यक्ष नागेश राजौरा जी, जिन्होंने बताया कि जब हाथरस मौके पर पूरा राष्ट्रीय लोकदल पहुंचा तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा बदसलूकी की गई। बुलंदशहर से शुभम शर्मा, टाइम 24। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।